Hey guys, welcome back to my channel once again, पहाड़ी नौकरी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो थंबनेल से आप यहां तक आ गए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज की जो इंपॉर्टेंट जॉब होने वाली है स्पेशली फॉर द फीमेल्स, ये होने वाली है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और ये पोस्टेज हैं समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु निम्नलिखित पोस्टों पर इन पर चयन किया जाएगा। और इस पर क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या क्या है और इसका फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो हम सब आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आपके काम के लायक, तो बिना किसी मजबूरी के यार स्किप मत करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए संविदा के आधार पर ये नियुक्ति की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता जो इसके लिए है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मिनी केंद्र की कार्यकर्ताओं है, जो शैक्षिक योग्यता है न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं है जो शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 यानी कि 10th और 12th है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी जो कार्यकर्ता है उनके लिए 10th देन और सहायक के लिए कक्षा 5 है। उसके अलावा इसमें जो एज लिमिट है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। और किसके लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए न्यूनतम 21 और 45 आंगनबाड़ी, और उसके अलावा सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु अधिकतम जो आयु सीमा होगी वो 50 होगी। आयु के संबंध में जो उनकी आयु की जो कैलकुलेट की जाएगी वो कक्षा 5 या फिर जो भी उनकी हाईस्कूल या जो सर्टिफिकेट होंगे उसके हिसाब से होगी। देन वहाँ पे 6-5 की जो मेन इसमें कंसर्न वाला मेन पॉइंट है कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सुविधाएं स्वतः समाप्त कर जाएंगे, यानी कि 62 होने पर वो चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा चयन हेतु इसमें किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा, सर्वप्रथम आप इच्छित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा अधिकारी, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू। और ये चीज मैं पॉइंट हाईलाइटेड इसीलिए कर रहा हूँ कि ग्राम सभा तथा उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है 5 की वर्ष पूरी हो चुकी तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 हो, वर्ष से अधिक न हो, इसकी ये चयन क्वालिफिकेशन होगी। और उसके लिए और सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण की कोई भी जो है कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन ना हो। बाकी इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं, इसमें किस तरह से इसमें और चीजें इसमें सिलेक्शन वगैरह का इसमें पूरा एकदम क्राइटेरिया है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें हम आगे चलते हैं। आवेदन पत्रों को किस तरह से करना है, तो आवेदन पत्रों की प्राप्ति से चयन की प्रक्रिया संबंधी जनपद की जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी, नहीं ये सारा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगा। और चयन समिति के गठन में आप देख सकते हैं जिलाधिकारी वगैरह सारे कुछ इसमें है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आगे वगैरह जो मेरिट इसमें तैयार की जाएगी, मेरिट सूची तैयार किए जाने के में एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र होने पर उनके जो हाई स्कूल जो सभी मेरिट बनाई जाएगी, इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट में स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का 10% से विभाजित करने पर, अगर सेम चीज होगा तो उसमें हाई स्कूल इंटर के हिसाब से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं आरक्षण में, तो सभी भी जो कैटेगरी आरक्षण में गवर्नमेंट के अनुसार आती है उसमें आप कर सकते हैं। अब इसमें नियुक्ति के हिसाब से होगी, चयन समिति द्वारा की गई चयन सूची के जिलाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों की नियुक्ति प्रधान जिला कार्यक्रम के अधिकारी के द्वारा ही सारी कुछ होगी, और ये सारी मेरिट के आधार पर ही होगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप एक अच्छे से फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल है जो हमने यहाँ पर आपको बताई। अब आते हैं फॉर्म के बारे में, तो देख सकते हैं ये फॉर्म है जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन इसमें सारी चीजें हैं। यहाँ पर फॉर्म की किस तरह से आपको भरना है, राइट हैंड साइड में आपको अपनी फोटो लगानी है, नीचे सिग्नेचर करने हैं, बाल विकास परियोजना किस के तहत पाते हैं, किस जनपद में आते हैं और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, रिक्त केंद्र का नाम आपको यहाँ पे भरना है, उसके बाद ग्राम सभा वार्ड का नाम, वार्ड नंबर, आयोजित का नाम, सारी कुछ इसमें डिटेल इसमें भरनी है, किस कैटेगरी से आते हैं वगैरह। यदि आयोजक सहायिका के पद पर ऑलरेडी आप कार्यरत हैं तो उसका भी डिटेल आपको देना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी चीज़ें इसमें आपको यहाँ पर डिटेल में इसमें यहाँ पर आपको भरनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 5 है, फिर 8 हाई स्कूल इंटर स्नातक तक की इसमें सब डिटेल्स में
सकते हैं, ये सारी डिटेल है। उसके बाद सारा कुछ दे के डॉक्यूमेंट के साथ आपको इसको पोस्टेड कर देना है। तो ये ही सारी डिटेल, अगर कोई भी आपको कमेंट्स करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर पहली बार तो कर देना सब्सक्राइब, कर देना लाइक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, जाइए वहाँ पर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।